ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों का जल्द मिलेगा मुआवजा। उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पिछले दिनों बारिश व ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी एक सप्ताह के अंदर की जाए। विशेष गिरदावरी में किसानों का नुकसान सही आंकलन दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए। जिले में करीब 66 गांव में फसलों के खराबे का अंदेशा है। इन सभी गांव के लिए क्षतिपूर्ति व मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा मैनुअल स्पेशल गिरदावरी का भी स्पेशल गिरदावरी भी की जाएगी। उपायुक्त ने ये आदेश सोमवार को कैंप कार्यालय में सभी एसडीएम राजस्व व कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए। इससे पहले उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी अतिरिक्त मुख्य सचिव हरियाणा सरकार टीवी एसएन प्रसाद व सुमित मिश्रा व मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर को फसलों के खराबे के संबंध में आयोजित समीक्षा बैठक में जिले के खराबे की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फील्ड में पटवारी कानगो तहसीलदार चिन्हित सभी 66 गांव के स्वयं पहुंचे तथा खराबे की वास्तविक स्थिति दर्ज करें। इस बात का ध्यान रखा जाए कि 25% से अधिक खराबा हो उसका विवरण दर्ज किया जाएगा। इस कार्य में सरपंच नंबरदार आदि की मदद भी ली जाएगी। गांव में गिरदावरी के संबंध में व्यापार प्रचार प्रसार किया जाए ताकि किसानों को गिरदावरी के संबंध में पूरी जानकारी रहे। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल का सही आंकलन हो तथा इससे किसानों को किसी प्रकार का संदेह ना रहे। फसलों के मिसमैच संबंधी डाटा वेरिफिकेशन भी जल्द से जल्द की जाए ताकि सरकार को इसकी रिपोर्ट भेजी जा सके। उपायुक्त ने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया है उसे और यदि पिछले दिनों में बारिश के चलते उनकी फसल खराब हुई है उनके लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला हुआ है और इस संबंध में किसान इस पोर्टल पर अपनी फसल से संबंधित खराब रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अति अवश्य है। सरकार द्वारा किसानों के हित में जो योजनाएं लागू की गई हैं, उन्हें उस सभी का लाभ इस पोर्टल के माध्यम से मिले। उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा से खराब हुई फसल के संबंध में करीब 10,589 आवेदन कृषि विभाग को प्राप्त हुए हैं, जो कि जल्द ही संबंधित बीमा कंपनियों को भेज दिए जाएंगे। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा एसडीएम सिरसा राजेंद्र कुमार एसडीएम एलनाबाद डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल एसडीएम कालावाली मुकंद एसडीएम डबवली अभय सिंह डीआरओ सुरेश कुमार डीडी कृषि बाबूलाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ये पूरी जानकारी डीसी पार्थ गुप्ता ने दी है और उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया है कि जो फसलें खराब हुई हैं ओलावृष्टि से उनका मुआवजा जल्द से जल्द किसानों को मिलेगा।